हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर थ्री ऑफ सोशोलॉजी नाउ वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज कास्ट हाउ कास्ट हैज़ इवॉल्व इन इंडिया हाउ कास्ट हैज़ बीन अल्टर्ड बाय ब्रिटिशर्स देखो जो कास्ट है ना जो जाति सिस्टम है वो हमारे ब्रिटिशर्स ने कहीं हद तक ऑल्टर करा है जो कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन है वो हमारे यहाँ पर बहुत सदियों से है कितने वेद और पुराणों में भी उसके बारे में लिखा गया है लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि कास्ट को इस तरीके से भी प्रेजेंट करा जा सकता है पहले हमें यह पता था कि जो कास्ट सिस्टम है बच्चों जो कास्ट सिस्टम है हमारा वो हमें नज़र आता था कि आ, कि चार कैटेगरी में लोगों को बांटा जाता है लाइक ब्राह्मण हो गया क्षत्रिय हो गया देन हमारे पास आ, आ, यहाँ पर मर्चेंट कैटेगरी हो गई राइट वैश्य जिसे हम बोलते हैं फिर शूद्र फिर अनटचेबल तो वैसे तो चार कैटेगरी ही हैं फिफ्थ कैटेगरी को वेदों में और पुरुषार्थ उसमें लिखा हुआ ही नहीं है उसमें माना ही नहीं गया है फिफ्थ कैटेगरी क्या है राइट तो यहाँ पर हम यही चीज़ बच्चों डिस्कस करने वाले हैं कि जो कास्ट सिस्टम है उस वो वो उसका ओरिजिन कहाँ से है राइट कास्ट सिस्टम का जो ओरिजिन हम बच्चों देख पा रहे हैं वो देख रहे हैं कि पहले तो ये जाती सिस्टम था लेकिन ब्रिटिशर्स ने ही यहाँ पर क्या बोला कि ये कास्ट है क्योंकि जो वर्ड है कास्ट उस वो पोर्चुगीज़ वर्ड से आता है जिसे हम बोलते हैं कास्ता राइट यही चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर समझनी है बच्चों देन यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि जो कास्ट सिस्टम है उसे वर्णा सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि पहले जमाने में लोगों को डिवाइड करा जाता था ऑन द बेसिस ऑफ द कलर वर्ण का मतलब होता है बच्चों कलर वर्ण का मतलब होता है जैसे वर्णा सिस्टम वर्ण में चार वर्ण होते हैं और ये कौन से चार वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वर्ण हैं बच्चों राइट इसे ही कास्ट सिस्टम बोलते हैं हम इसे ही हम कास्ट सिस्टम बोलते हैं नौ आपको यहाँ पर समझना क्या है आपको यहाँ पर समझना यहाँ पर ये है बच्चों कि जो वरना सिस्टम है या कास्ट सिस्टम है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा भी कहीं ना कहीं पर हमें चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा भी हमें ये चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है यही चीज़ आपको जो है वो यहाँ पर समझनी है और यहाँ पर आपका सी का पेपर जो है उसमें भी यही पूछा जाता है आपका जो सी का पेपर है उसमें भी यही पूछा जाता है यहाँ पर आपसे ये पूछ लेंगे सिंपली अच्छा। यहाँ पर यह कुछ बता सकते हैं कि वर्ण का मतलब क्या होता है आपसे सिंपली पूछ लेंगे कि वर्ण क्या होता है अब बहुत से बच्चों को वर्ण का मतलब ही नहीं पता वर्ण का मतलब होता है कलर तो मतलब पहले लोगों को कलर के बेसिस पर वहां पर बांटा जाता था राइट हाँ वेरी गुड नूर अब उसके बाद हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो फोर वर्णा क्लासिफिकेशन है ये बहुत कॉमन है और जाति हरार मोर क्लासिफिकेशन जैसे कि अगर आप लोगों ने बच्चों आर्टिकल 15 मूवी देखी होगी तो उसमें पता चलता है कि जैसे ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है और शूद्र है अब हमें नज़र आ रहा है बच्चों इसके अंदर सब क्लासिफिकेशन सब क्लासिफिकेशन में क्या है कि ब्राह्मण ऊपर वाला भी है ब्राह्मण नीचे वाला भी है क्षत्रिय ऊपर है वर्णा मतलब इस वर्ण के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज हमें नजर आ रही हैं राइट right? इस वर्ण के भी अंदर हमें अलग अलग कैटेगरीज नजर आ रही है मतलब एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से भी ऊपर है हायरार्की हायरार्की में hierarchy क्या क्या है है कि उसकी उसका सोशल स्टेटस सोसाइटी में तो एक सोशल स्टेटस जो है बच्चों वो बनता है प्रिवलेजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर तो जिसको ज्यादा प्रिवेजेस मिलते हैं उसका सोशल स्टेटस ऊपर माना जाता है सोसाइटी के अंदर राइट right. जिसको ज्यादा प्रिविलेजेस मिलते हैं उसको ज्यादा ऊपर माना जाता है सोसाइटी के अंदर तो जो बहुत से ब्राह्मण और ऊंचे होते हैं उनको और वहां पर मिलता है राइट right. हाँ तो ये क्लास ट्वेल्थ के लिए ही बच्चों हम सोशोलॉजी यहां पर पढ़ रहे हैं तो हम इसको हम क्या बोलते हैं कि एक तो हो गया कास्ट और एक हो गया बच्चों सब कास्ट तो यहां पर हमें ये चीजें नजर आती है राइट right. और ब्रिटिशर्स ने इसको जो है वो बहुत ही डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में प्रेजेंट करा है ब्रिटिशर्स ने इसको बहुत ही डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कास्ट को प्रेजेंट करा है तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिल रहा है जैसे यहाँ पर बोला जाता है कि जब हमारा अर्ली फेज था वैदिक पीरियड था तो यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है वो इतना रिजिड नहीं माना जाता था इतना ज़्यादा डिटेल्ड में कोई नहीं लिखा था लेकिन पोस्ट वैदिक के बाद एक सोशल इंस्टीट्यूशन बन गया पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद कास्ट जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन बन गया अब आपको पता है कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है बच्चों यहाँ पर बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता कि कास्ट एक सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे है इंस्टीट्यूशन का मतलब है कोई यहाँ पर बिल्डिंग होगी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट तो नहीं है ये सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में कौन से कौन से बच्चे जो हैं वो यहाँ पर जानना चाहते हैं कि कोई भी हमारी सोसाइटी के एलिमेंट सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे बन जाते हैं प्लीज़ बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किन किन बच्चों को यहाँ पर जानना है कि सोशल इंस्टीट्यूशन होता क्या है मैं आपका वेट कर रहा हूँ कॉमेंट सेक्शन में ओके okay. तो यहां पर जब भी एक सोसाइटी के अंदर एक सोसाइटी के अंदर इंटरैक्शन होता है और वो इंटरक्शन जो है वो रेपिटेटिव वे में चल रहा होता है और वो जब रेपिटेटिव वे में चलता है तो वो एक पैटर्न बन जाता है और पैटर्न जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन बन जाता है तो ये इंटरैक्शन जो है वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है लॉ में भी हो सकता है प्रोहिबिशन के फॉर्म में भी हो सकता है अब इसका मतलब समझो इसका मतलब ये है बच्चों जैसे सपोज किसी ने किसी एक इंडिविजुअल ने एक इंडिविजुअल ने किसी को कुछ बोला ये एक इंटरेक्शन चल रहा है इन दोनों के बीच में अब इन्होंने एक रूल बना लिया एक रूल बना लिया कि भाई मैं जो है वो पब्लिक में पब्लिक में यूरिनेट नहीं करूंगा पब्लिक में मैं यूरिनेट नहीं करूंगा क्यों क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता तो अब ये क्या है एक लॉ बनाया इन्होंने एक रूल बनाया अपने लिए अब यही लोग जो हैं वो आगे और लोगों से मिलते हैं इन लोगों ने और लोगों को बताया कि ऐसा अच्छा नहीं होता पब्लिक में आप यहाँ पर जो है वो ओपन में यूरिनेट कर रहे हो तो ये क्या बन जाएगा इसे ये एक इंटरेक्शन थी जो ये रेपटेशन में जाएगी और जैसे ही रेपटेशन में जाकर ये एक पैटर्न बन जाएगा कि अब लॉ एक रूल बन गया ये जो ओवरऑल सोसाइटी फॉलो कर रही है और यही जो है वो बाद में एक सोशल इंस्टीट्यूशन बन जाएगा अब जैसे कि एक रूल होता है बच्चों एक रूल होता है मनोगी एक रूल होता है बच्चों मोनोगमी मोनोगमी का मतलब यहां पर यह होता है कि एक ही यहां पर एक एक बॉय एक जो है उसका सिर्फ वन पार्टनर ही होगा वन पार्टनर होगा तो पहले ये किसी ने एक बार तो डिसाइड करा होगा ना कि मैं जो है वो ज्यादा लड़कियों से शादी नहीं करूंगा या एक लड़की बोलेगी कि मैं ज़्यादा लड़कों से शादी नहीं करूँगी पहले एक इंटरेक्शन हुई होगी किसी के बीच में वो इंटरेक्शन जो है जब वो बार बार रिपीट होती है वो एक सोसाइटी का पैटर्न बन जाता है वैसे ही मैरिज भी आज की तारीख में बच्चों एक इंस्टीट्यूशन है मैरिज जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और आपको नज़र आएगा कि इंटरेक्शन जब एक रेपिटेटिव वे में पैटर्न बना देती है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन बन जाता है सिमिलरली कास्ट भी जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जहां पर हमें क्या नजर आता है कि जो कास्ट है जो कास्ट है वो यहां पर एक तरीके से पहले इंटरेक्शन में फॉर्म uh, हुई होगी कि यहाँ पर किसी ने ये रूल बनाया कि भाई इस कैटेगरी के लोगों से मैं बात नहीं करूँगा पहले कैटेगरीज बनाई होंगी बोला होगा किसी ब्राह्मण ने कि मैं शूद्र से बात नहीं करूँगा क्योंकि शूद्र में ये ये प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है फिर वही ब्राह्मण का बिहेवियर और लोगों ने रिपीट करा होगा फिर वो रिपीट करते करते वो हमारी सोसाइटी में सब लोगों ने एक ये पैटर्न बना लिया कि अब तो हम इन लोगों से बात करते ही नहीं हैं वैसे ही वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन बन जाता है राइट तो आई बिलीव मेरा पॉइंट यहाँ पर बच्चे आप लोग समझ रहे हैं कि कैसे जो है वो एक इंटरेक्शन जो है वो रेपिटेटिव वे में पैटर्न होकर एक सोशल इंस्टीट्यूशन बन जाता है तो आपको क्या नज़र आ रहा है कास्ट बिकेम अ रिजिड इंस्टीट्यूशन दैट इज फेमिलियर टू अस फ्रॉम इट्स वेल नोन डेफिनेशन पोस्ट वैदिक पीरियड में पोस्ट वैदिक पीरियड में कास्ट जो है वो एक रिजिड इंस्टीट्यूशन बन चुका था सिमिलरली आपको नजर आएगा कास्ट के कुछ कॉमन फीचर्स यहाँ पर हमें नज़र आते हैं कास्ट इज़ डिटरमाइंड बाय बर्थ कास्ट इज़ यहाँ पर मतलब कि आप बर्थ से ही यहाँ पर बता दिया जाएगा आपको कि आप कौन सी कैटेगरी में हो कास्ट आपको नजर आएगा उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं अबाउट मैरिज यानी कि अगर आप ब्राह्मण हो तो आप ब्राह्मण से ही शादी करोगे तो एंडोगेमी का मतलब है आप अपने ग्रुप के अंदर ही जो है वो बच्चों शादी करते हो कास्ट आल्सो रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग इसको हम बोलते हैं बच्चों कमेंसैलिटी कमेंसैलिटी का मतलब यहां पर यह है कि अगर आप अपर कास्ट से हो तो यहां पर अपर कास्ट से हो तो आप लोअर कास्ट के साथ में बैठकर खाना नहीं खाओगे कमेंसैलिटी का मतलब होता है एक्ट ऑफ ईटिंग टुगेदर एक्ट ऑफ ईटिंग टुगेदर राइट देन कास्ट में आपको नजर आएगा स्पेसिफाइड प्लेस होती है हर किसी की जैसे कि ब्राह्मण टॉप है फिर क्षत्रिय है फिर वैश्य है फिर शूद्रा है तो ये वन टू थ्री फोर ये सबकी रैंक्स हैं पूरा स्टेटस बता रखा है आपका ये है सब डिवीजन है जाति सिस्टम है इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया और इट इज़ लिंक्ड टू ऑक्यूपेशन जैसे कि एक आपने कास्ट सुना होगा बच्चों सोनार सोनार एक जाति है सोनार इज अ जाति लेकिन ये जो है वो ऑक्यूपेशन से लिंक्ड है जो यहाँ पर गोल्ड का, का काम करते हैं वो सोनार होते हैं जो गोल्ड का, का काम करते हैं वो सोनार होते हैं वैसे ही एक कास्ट होती है बच्चों तेली तेली का मतलब है यहाँ पर जो ऑयल से रिलेटेड ट्रेड करते हैं ऑयल मैन राइट वैसे आपने सुना होगा लोहार आपने एक यहां पर जगह का भी नाम सुना होगा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में एक जगह है लाहौर तो लाहौर में ज्यादातर लोहार रहते हैं और लोहार कौन जो होते हैं जो लोहे का काम करते हैं लोहा और लोहार जो है वो कास्ट है और लोहार के जगह पर ही एक नाम है लाहौर राइट तो ये क्या है इट इज लिंक्ड टू ऑक्यूपेशन कास्ट जो है वो एक लिंक्ड वो लिंक्ड है ऑक्यूपेशन से तो जैसे सपोज मैं बोलूंगा मैं लोहार हूं लोहार का मतलब क्या मैं लोहे का काम करता हूं मैं बोलता हूं मैं तेली हूं तेली का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर बोलूँगा कि भाई मैं तेल में ट्रेड करता हूँ कोई बोलता है यहाँ पर मैं सोनार का काम कर मैं सोनार हूँ मतलब मैं सोने का काम करता हूँ मैं उसमें ट्रेड करता हूँ तो आपकी जो कास्ट है ना वो आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है तो पहले क्या होता था इतना रिजिड सिस्टम होता था जैसे कि मैं सोनार हूं तो जो सोनार होते हैं उसके बच्चे को भी सोनार बोला जाएगा जो सोनार होते हैं उसके बच्चे को भी सोनार बोला जाएगा तो वो बच्चा भी आगे जाकर वही काम करेगा वो भी सोने का ही काम करेगा तभी हम रिजिड सिस्टम मानते हैं रिजिड सिस्टम का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों कि एक बच्चा जो सोने का काम करता है वो सोने का ही काम करेगा वो चांदी का लोहे का काम का नहीं कर सकता क्योंकि कास्ट अलाउ नहीं करती तो जब तक कास्ट अलाउ नहीं करेगी तब तक आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे राइट तो इसको तभी हम बहुत रिजिड सिस्टम मानते हैं और बच्चों कुछ जगह पर यह भी बोला जाता है कास्ट जो है ना वो प्योरिटी और पॉल्यूशन से रिलेटेड है प्योरिटी और पॉल्यूशन का मतलब जो जितना ज़्यादा प्योर काम करता है उसका स्टेटस सोसाइटी में उतना ऊंचा माना जाता है और जो जितना पल्यूटेड काम करता है उसका काम उसको सोसाइटी में उतना छोटा ही यहाँ पर स्टेटस दिया जाता है सिमिलरली जो है सिमिलरली जो है वो आपको नजर आएगा जैसे यहां पर आपको नजर आएगा ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्रा ब्राह्मण है। अक्सर क्या काम करते हैं वो करते हैं रिचुअल्स वो यहाँ पर करते हैं यज्ञ राइट क्षत्रिय क्या करते हैं वॉर करते हैं वैश्य क्या करते हैं मर्चेंट है ट्रेडर्स हैं ये क्या करते हैं शूद्र ये सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सबसे अच्छा काम जो है वो ब्राह्मण ने अपने को दे रखा है वही जो ब्राह्मण है वो ही, ही यज्ञ कर सकता है वो ही जो है वो रीति रिवाजों को फॉलो कर सकता है तो ये काम सबसे प्योर माना जाता है लेकिन जो शूद्र होते हैं ये सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे कि बार बार कैटेगरी हो गई कारपेंटर हो गए प्लम्बर हो गया ये क्या है ये माना जाता है कि आप लोगों के बाल को उठा रहे हो आप लोगों के बेड बना रहे हो लोगों की टंकियां ठीक कर रहे हो फिर एक कैटेगरी आती है बच्चों अनटचेबल अनटचेबल का क्या काम होता है एनिमल की डेड बॉडीज को उठाना फीकल वेस्ट जो लोगों की जो लोगों का टॉयलेट होता है क्योंकि पहले टॉयलेट्स में हमें फ्लश तो होता नहीं था पाँच साल पहले तो वो टॉयलेट्स को जो साफ़ करते थे सुवेज जो है वो यहाँ पर अनटचेबल्स लोगों को बुलाया जाता था वो लोग साफ करते थे अब ये लोग काम ऐसा कर रहे हैं तो इनको बोला जाता है कि यार तुम पल्यूटेड हो अब इसलिए तुम पल्यूटेड हो इसलिए तुम्हें सबसे नीचे का स्टेटस दे रखा है हमने और ये सबसे ऊंचा का काम है रिचुअल यज्ञ करना आग के अग्नि के सामने जो है वो प्रार्थना करना तभी आपको जो नजर आएगा बच्चों ये नजर आएगा कि इनके बीच में और इनके बीच में कितना फर्क है अनटचेबल और ब्राह्मण राइट right? और प्योरिटी और पॉल्यूशन जो है वो यही से ही कास्ट सिस्टम को जो है वो आगे लेकर जाता है ना ब्रिटिशर्स ने भी हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने भी कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा ऑल्टर करने की कोशिश करी जब ब्रिटिशर्स आए तो उनको पता ही नहीं था कि कैसे जो है वो कास्ट सिस्टम ऑपरेट करता है तो उन्होंने पढ़ा इसके बारे में फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने एक सेंसस करा और जो सेंसस करा वो करा सेंसस कमिश्नर ने तो यहाँ पर सीबीएसई में और सी में दोनों जो है दोनों जगह आपको नज़र आएगा कि दोनों जगह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में सबसे पहला कास्ट सेंसस जो है वो कब हुआ था फर्स्ट फर्स्ट जो सेंसस हमें नज़र आया वो हुआ 1860 में और जो ये सेंसस की प्रैक्टिस है ये ब्रिटेन से चल रही है वहाँ पर पूछा जाएगा यूएस से चल रही है नहीं ब्रिटेन से चल रही है राइट तो आपको यहाँ पर ये भी नज़र आएगा कि जो 1881 से हमारे यहाँ पर कास्ट सेंसस जो है वो भी ले ओ सेंसस जो है वो एक रेगुलर एक्सरसाइज बन गई एटीन से उसके बाद हमें क्या नज़र आया हर्बर्ट रिजली हर्बर्ट रिजली ने सबसे पहले क्या करा बच्चों एक कास्ट सेंसस इंडिया में जो फर्स्ट कास्ट सेंसस है वो यहाँ पर हर्बर्ट रिजली लेकर आए और ये क्या थे ये थे सेंसस कमिश्नर ये कमिश्नर थे और इन कमिश्नर ने क्या करा कास्ट सेंसस मतलब कितने कितने ब्राह्मण हैं कितने क्षत्रिय हैं कितने वैश्य हैं कितने शूद्र हैं और कितने अनटचेबल हैं इन्होंने ये करा और ये कब हुआ बच्चों यहाँ पर यह चीज़ नजर आई नाइनटीन जीरो वन में तो यहाँ पर पूछेंगे कि कास्ट सेंसस कब करा गया सबसे पहला या वो पूछेंगे कि हर्बर्ट रिजली ने कास्ट सेंसस पहला कब करा राइट right. सबसे पहला कास्ट सेंसस जो 1901 में हुआ था वो किसने करा तो हर्बर्ट रिजली ने करा 1901 में करा क्या करा कास्ट सेंसस को करा ये पहली बार हुआ हमारे कंट्री में कि कास्ट को हम अब एक डॉक्यूमेंट में जो है वो यहाँ पर लिख रहे हैं तो ब्रिटिशर्स ने जो कास्ट सिस्टम है उसको कैसे चेंज करा कि कास्ट को एक पन्ने पर लिख दिया पहले कास्ट जो है वो इंस्टीट्यूशन था अब उन्होंने क्या बना दिया उसको और ज्यादा एक रिजिड इंस्टीट्यूशन बना दिया उन्होंने उन बाउंड्रीज को और ज्यादा प्रोमिनेंट कर दिया राइट right? स्कॉलर्स बोलते हैं कि ऑफिशियली कार्ड सेंसस को रिकॉर्ड करना जो है वो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन को उन्होंने चेंज कर दिया कास्ट आइडेंटिटीज जो हैं वो पहले बहुत ज़्यादा फ्लूइड थी नाउ अब जो है वो काउंट और रिकॉर्डेड हो फ्लुइड का मतलब पहले एक जाति से दूसरी जाति तक जाना बहुत आसान था क्योंकि कोई लिखा पढ़ी नहीं हो रखी थी भाई अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें सन पंद्रह की मतलब आज से 700 साल पहले यहाँ पर कोई कास्ट सर्टिफिकेट थोड़ी बनते थे अब तो कास्ट सर्टिफिकेट बनने लग गए हैं कि भाई मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ मैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से हूँ ये डॉक्यूमेंटेशन आया कहाँ से ब्रिटिशर्स के द्वारा 1901 से वन स्टार्ट हुआ पहले मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ये भी दिखा सकता था कि भाई मैं शूद्र हूँ बस मुझे वही प्रैक्टिस तो फॉलो करनी है मुझे वही प्रैक्टिस तो फॉलो करनी है ये चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर बच्चों समझनी है हर्बर्ट हाँ, रिजली बच्चे ब्रिटेन से ही था नूर हर्बर्ट रिजली जो है वो ब्रिटेन से ही था अब उन्होंने क्या करा ये सारे के सारे लोग जो हैं वो सारे के सारे लोग जो हैं बच्चों ये सारे के सारे लोग जमींदार हैं ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि जितने भी जमींदार लोग थे मुगल्स के टाइम पे उनको बना दिया बच्चों लैंड ओनर उनको बना दिया लैंड ओनर तो ये जमींदार जो हैं वो लैंड ये अपर कास्ट से थे जनरली जनरली आपको नजर आएगा कि अपर कास्ट के लोगों को जमींदार बनाया ब्रिटिशर्स ने और जितने भी लेबर थे जितने भी आर्टिजन थे वो बन गए यहां पर एग्रीकल्चर लेबर और वो जनरली आपको नजर आएंगे कि वो लोअर कास्ट से थे वो लोअर कास्ट से था ये चीज जो है वो ब्रिटिशर्स ने करी कि अब क्या हुआ कि जो कास्ट है वो क्लास में चेंज हो गया जो कास्ट है वो क्लास में चेंज हो गया मतलब जो अपर कास्ट होगा वो ही अपर क्लास होगा जो लोअर कास्ट होगा वही लोअर क्लास होगा तो कास्ट जो है उसने जगह दे दी क्लास को लेकिन हरार की इनिक्वालिटी आज भी उतनी ही है राइट right? तो ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से जो है वो यहाँ पर चेंज करा 1935 में ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट को पास करा और उस एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन यहाँ पर आपको नज़र आया कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले दो कैटेगरीज बनाई और उनका नाम रखा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ब्रिटिशर्स ने दो कैटेगरी बनाई कि यार यहाँ पर जो है वो ये लोग जो हैं वो छोटी कास्ट से हैं तो इन्होंने उन दोनों का नाम यहाँ पर लिख दिया और इसी की वजह से जो है वो सीवियर डिस्क्रिमिनेशन आज की तारीख में जो है वो सफ़र करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं सिमिलरली कास्ट इन द प्रेजेंट के बारे में बात करें तो कास्ट आज की तारीख में काफ़ी डाइल्यूट हो गया है आज की तारीख में बहुत कम ऐसा नज़र आएगा कि दिल्ली मुंबई कोलकाता बैंगलोर जैसे शहर में किसी से ये पूछा जाएगा कि आपकी कास्ट क्या है रूरल एरिया में आज भी जो है वो कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अगर राजस्थान में अगर राजस्थान में कोई छोटी कास्ट का इंडिविजुअल अपनी मूछ को ताव दे देता है तो उसको इसी बात पर मारा जाता है कि तुम्हें ये करना अलाउड नहीं है क्यों अलाउड नहीं है क्योंकि तुम छोटी कास्ट से हो तो लोअर कास्ट को अलाउड नहीं है टू एक्ट एज़ अ पर्सन ऑफ सिग्निफिकेंस एक्ट एज अ सिंबल ऑफ पावर क्योंकि महाराजा लोग ही अपनी मूछ को ऐसे ताव देते थे राइट तो अगर कोई भी दलित इंडिविजुअल है तो उसको अलाउड नहीं है आ, एक ब्राह्मण के के आसपास घूमना ब्राह्मण से इंटरेक्ट करना तो रूरल एरियाज़ में अभी भी हमें कास्ट सिस्टम एक रिजिड इंस्टीट्यूशन नज़र आता है लेकिन अगर मैं अभी प्रेजेंट की ही बात कर रहा हूँ और अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ में कास्ट सिस्टम जो है वो कहीं हद तक डायल्यूट हो चुका है कास्ट सिस्टम जो है वो यहाँ पर डायल्यूट हो चुका है तो ये कुछ लोग हैं जैसे श्री नारायण गुरु पेरियार ईवी ई वी रामा स्वामी नाइकर इन लोगों ने कास्ट के अगेंस्ट जो है वो फ़ाइट करी है क्योंकि ये लोगों ने फेस करा है डिस्क्रिमिनेशन इन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो यहाँ पर फ़ेस करा है और इसी की वजह से इन लोगों को इन लोगों ने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट जो है वो यहाँ पर आवाज़ उठाई है तभी आपको नज़र आएगा जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो हमारे यहाँ पर कुछ लोग कास्ट सिस्टम तो एबॉलिशन हो गया 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो यहाँ पर बोला गया कि आर्टिकल 15 में कि अगर कोई भी इंडिविजुअल कास्ट के बेसिस पे या फिर कर, कर, जेंडर के बेसिस पे अगर कोई भी भेदभाव करता है तो उसको सज़ा होगी राइट अब इसी चीज को लेकर अब इसी चीज़ को लेकर ले हमें क्या नज़र आ रहा है इसी चीज़ को लेकर हमें नज़र आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो इसके साथ में अलाउ कर मतलब मानते थे और कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल भी इस सिस्टम को नहीं मानते थे तो अब इन दोनों के बीच में जो है वो लड़ाई होने लग गई हमारे यहाँ पर तो आपको नजर आएगा कि हमारे यहाँ पर अब पॉलिटिक्स भी इसी के बेसिस पर होने लगी पॉलिटिक्स में इसका मतलब यहाँ पर ये है कि पॉलिटिक्स में ये हो गया कि भाई जिसके पास 51% सीट्स हैं उसको मिल जाती है पावर और जो सीट्स आती हैं वो आती है बच्चों वोट से तो जिसको जितने ज्यादा वोट्स मिले जितने जितने ज्यादा सीट जीती जिसने जितनी ज्यादा सीट ली वो बन गया तो लोगों ने अब क्या करा जो भी कास्ट में नंबर ज़्यादा हैं जो भी कास्ट में नंबर ज़्यादा हैं उनको जो है वो अब अपीज़मेंट चालू हो गया मतलब उनको जो है वो हम खुश करने की कोशिश करने लगे तभी आपने देखा कि हमारे यहाँ पर जाति सिस्टम जो है वो यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग हो गया भाई अब मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी यादव लोग हैं मैं उन लोगों के लिए इलेक्शन लड़ूंगा तो यादव अगर उस सोसाइटी में ज़्यादा हैं तो वो मुझे ही वोट देंगे क्योंकि मैंने बोल दिया कि यादव मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा मैं तुम्हारी जाति का नाम ऊपर रखूंगा तो ये जाति सिस्टम में क्या होने लगा कि मैंने यादव को बोल दिया कि यादव अब मैं आप लोगों के साथ हूं और आप लोग जो हैं वो मेरे को मदद करें जिताने में तो जितने भी यादव हम मेरे को वोट करेंगे दूसरा इंडिविजुअल आता है वो कहता है कि भाई जितने भी जाट हैं वो मुझे वोट करें क्योंकि मेरा नाम है सूरजमल और मैं भी जाट हूं और तो अब क्या हुआ अगर उस वहां पर ज्यादा और जाट दोनों रहते हैं तो पॉपुलेशन जो है वो डिवाइड हो जाएगी और पार्टीज जो हैं वो कम्युनिटी के हिसाब से ही बनाए जा रहे हैं कास्ट की आइडेंटिटी के ऊपर ही पार्टीज को बनाया जा रहा है राइट right? तो आई बिलीव मेरा पॉइंट जो है वो आप लोगों को बच्चों समझ आ गया होगा अब यहां पर हमारे यहां पर एक सोशोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम है एम एन श्रीनिवास एम एन श्रीनिवास एक गांव में गए कूर्ग के और इन्होंने ये चीज डिसाइड करी इन्होंने ये चीज डिसाइड करी बच्चों कि इन्होंने ये चीज डिसाइड करी कि मैं कास्ट को बहुत अंदर से पढूंगा। तो जब ये गए तो पहले इनके माइंड में क्या आइडिया था कि कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड सिस्टम है जहाँ पर अगर एक इंडिविजुअल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र में पैदा होता है वो पूरी लाइफ में वही बन के रह जाता है मतलब कि कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी नहीं है मोबिलिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं शूद्र पैदा हुआ तो मैं कभी भी क्षत्रिय नहीं बन सकता इसका मतलब क्या है जैसे कि महाभारत में आपने देखा होगा एक एक कैरेक्टर है कर्ण कर्ण जो है वो भगवान श्री कृष्णा से बोलता है कि भगवान कृष्ण यहाँ पर मुझे क्यों नहीं लड़ने दिया जा रहा युद्ध में क्योंकि मैं शूद्र हूँ। मैंने भी युद्ध लड़ना सीखा है मैंने भी युद्ध लड़ना सीखा है और युद्ध लड़ना मैंने जब सीखा है तो मैं क्यों नहीं जो है वो यहाँ पर योद्धा बन सकता तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्योंकि सोसाइटी में समाज में ये संस्था बना दी गई है जाति प्रथा और ये जाति प्रथा बनाई गई है इसलिए आप यहाँ पर युद्ध का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि शूद्र जो है वो कभी योद्धा नहीं बनता अब कर्ण को बोला जाता था तो तुम छोटी जाति के हो महाभारत में तो इस वजह से जो है वो कर्ण को युद्ध लड़ने दिया नहीं जाता था तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मायूस हो जाते थे भगवान कृष्ण से वहां जाकर उनसे बात भी करते थे तो अब यहाँ पर श्रीनिवास ने बोला कि कास्ट सिस्टम जब वो कूर्ग में जाके पढ़ने लगे तो उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ करी बच्चों की कास्ट सिस्टम इतना रिजिड नहीं है बल्कि उन्होंने ये भी देखा कि जो शूद्र है वो ब्राह्मण बन सकता है और वो ब्राह्मण बन सकता है बाय कॉपिंग बाई कॉपिंग द प्रैक्टिस ऑफ ब्राह्मण बाई कॉपिंग द प्रैक्टिस ऑफ ब्राह्मण तभी उन्होंने ये बोला कि अगर ऐसा हो सकता है तो उन्होंने इसका नाम दिया ब्राह्मणेशन उन्होंने उसका नाम दिया ब्राह्मणाइजेशन की एक इंडिविजुअल ब्राह्मण बन रहा है फिर उन्होंने देखा कि हर कोई तो ब्राह्मण बन नहीं रहा कुछ लोग हमें नजर आ रहे हैं जो शूद्र से क्षत्रिय बन रहे हैं तो उन्होंने फिर इसका नाम चेंज करके कर दिया संस्कृताइजेशन लोग अपने आप को संस्कृताइज कर रहे हैं संस्कृत सीखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन्हीं को ही संस्कृत टेक्स पढ़ने को अलाउड था जो शूद्र थे और जो अनटचेबल थे इनको अलाउड नहीं था तो उन्होंने बोला अगर कोई भी शूद्र है या कोई भी अनटचेबल है वो वैश्य क्षत्रिय या ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहा है उस प्रोसेस को श्री श्रीनिवास ने बोला संस्कृताइजेशन उन्होंने उस चीज़ को बोला बच्चों संस्कृताइजेशन आप संस्कृताइजेशन कर रहे हो यहाँ पे फिर उन्होंने ये भी बोला कि एक डोमिनेंट कास्ट का भी कॉन्सेप्ट है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ पहले की क्लास में अब ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री में ट्राइबल कम्युनिटीज वो होती हैं जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करती जिनके यहाँ पर अपने कस्टम्स होते हैं और अपने ही रिचुअल्स रीति रिवाज होते हैं और अक्सर आपको नजर आएगा कि ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी से दूर रहती हैं ट्राइब जो हैं वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से दूर रहती हैं क्लासिफिकेशन बात करें तो कुछ सोसाइटीज़ में हमें नज़र आएगा ट्राइबल्स जो हैं वो उनके परमानेंट ट्रेड्स होते हैं तो आपको नज़र आएगा कि हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है मतलब असम को छोड़ दें तो थर्टी परसेंट अरुणाचल में मेघालय में मिजोरम में, में, में तो नाइन्टी नाइन्टी ट्राइबल पॉपुलेशन आपको नज़र आ जाएगी और अगर हम ट्राइब्स की कैरेक्टरस्टिक्स के बारे में बात करें तो कुछ होते हैं परमानेंट ट्रेड्स मतलब जो उनके यहां उनके बॉडी फीचर्स हैं और कुछ होते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स जैसे कि लैंग्वेज हो गया हैबिट हो गई ये एक्वायर्ड होते हैं ये आप इवॉल्व हो रहे हो वैसे राइट right? अगर हम लैंग्वेज के बारे में बात करें ट्राइब्स आर कैटेगराइज इनटू फोर कैटेगरी टू ऑफ इंडो आर्यन रेस्ट ऑफ देशन एज वेल बाकी है ऑस्ट्रिक ग्रुप है और तिब्बित यही लैंग्वेज में ट्राइब्स को बांटा जाता है क्या है इंडो आर्यन और द्रविडियन ऑस्ट्रिया और तिब्बित बर्मन हाँ साइज के बारे में बात करें तो आपको नजर आएगा हमारे यहाँ पर गोंड भील संथाल और मीना बोडो मुंडा यहाँ पर आपको नजर आएगा इन लोगों की जो संख्या है वो दस लाख से ऊपर है ओवरऑल हमारी कंट्री में हम अगर देखें तो 8.2 परसेंट पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है ये सेंसस की फिगर्स हैं और 8.6 हो गया 8.6 हो गया हमारे यहाँ पे 2011 के सेंसस तक फिर उसके बाद ये पता चला कि हमारे यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं वो अराउंड एक करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो ट्राइबल हैं 1.04 मिलियन का मतलब है एक करोड़ चार हाँ एक करोड़ चार लाख एक्वायर ट्रेड्स में मतलब क्या है कि लाइवलीहुड के ऊपर वो कैटेगराइज होने लगे फिश गैदरर फूड गैदरर हंटर पेजेंट प्लांटेशन मतलब क्या है ये इन्होंने एक करा है किसी से एक होता है परमानेंट परमानेंट में क्या होगा फिजिकल बॉडी आ गई आपकी ठीक है आपका हैबिटेट आ गया कि आप रहते कहाँ हो जंगल में वहाँ रहते हम राइट right. ये चीजें जो हैं वो हमें ट्राइब्स को लेकर नजर आ रही हैं देन बच्चों यहाँ पर दो डिबेट जो हैं वो अक्सर यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं और वो डिबेट ये है एक होता है बच्चों इंटीग्रेशन और एक होता है बच्चों आइसोलेशन कुछ लोगों ने बोला कि भाई ट्राइब्स जो हैं उनको इंटीग्रेशन का मतलब हमें हिंदू सोसाइटी के अंदर जोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारी बाकी जो कंट्री है एटी परसेंट जो पॉपुलेशन है हमारी वो हिंदूज़ की है बाकी पॉपुलेशन माइनॉरिटी है तो लोगों ने बोला कि यार जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनको हिंदू के साथ में जोड़ दो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि जो उनका डिस्टिंक्ट कल्चर है उनकी प्रैक्टिस हैं वो सारी की सारी प्रैक्टिस जो हैं बच्चों वो आपको नज़र आएंगी कि वो ख़त्म हो जाएंगी कुछ लोगों ने बोला आइसोलेशन का मतलब अकेले में रखो अकेले में रखो जिससे कि हम इनकी इनकी यहाँ पर चीजों को जो है वो प्रिजर्व करके रख सके प्रिजर्व करके रख सके तो ये कुछ डिबेट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है यस नैन्सी दुबे आपको जो नोट्स हैं वो सी ऊटी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन चैनल पर मिल जाएंगे सी यू टी अड्डा टेलीग्राम चैनल है ना उस पर आप चेक कर लो राइट right, बच्चों फिर एक इंस्टीट्यूशन है बच्चों हमारा फैमिली और जो फैमिली ये इंस्टीट्यूशन आपको नजर आता है इसमें नजर आएगा कि फैमिली जो है वो दो तरीके की अक्सर हमें नजर आती है एक होती है जॉइंट और एक होती है न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है उसमें दो जनरेशन या एक जनरेशन ही देखने को मिलती है जैसे कि पेरेंट्स हो गए और एक बच्चा हो गया ये हो गई बच्चों न्यूक्लियर फैमिली लेकिन अब इनके भी पेरेंट्स रह रहे हैं मतलब इस बच्चे का ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं साथ में तो इसमें तीन जनरेशन हो गई तो ये हो जाएगी ज्वाइंट फैमिली यही चीज जो है वो आपको यहां पर समझनी है राइट right, बच्चों? और हमें यह भी नजर आता है कि कुछ जगह पर फैमिलीज़ जो हैं, वो आ, अलग अलग तरीके की एक होती है बच्चों पेट्रीलियल और एक होती है बच्चों मेट्रीलिनियल पेट्रीलिनियन में क्या होता है जैसे फादर की जो प्रॉपर्टी है वो एल्डे सन को जाती है या वो सन को ही जाती है खाली मेट्रीलिनियल में बच्चों क्या होता है जो प्रॉपर्टी है वो मदर से मदर के पास यानी कि फीमेल से फीमेल के पास हमें पास ऑन करके नजर आती है राइट right? हाँ तो जैसे ही वो अनमैरिड चाइल्ड जो है या तो वो मैरिज कर लेता है और उसके भी उसको भी जो है वो एक बच्चा हो जाता है तो अब क्या हो गया अब तीन जनरेशन हो गई कि आपके पेरेंट्स आप खुद और आपका ऑफस्प्रिंग तो ये क्या हुआ थ्री जनरेशन हो गई जब तक आपके पेरेंट्स और आप एक साथ रह रहे हो तो ये न्यूक्लियर है या आपके ग्रैंड पेरेंट रह रहे साथ में तो ये थ्री जनरेशन हो जाएंगी राइट तो ये चीज आपको यहां पर समझनी है अब जिस सोसाइटी में आपको नजर आएगा कि जो प्रॉपर्टी है वो लड़कों के ही नाम हो रही है तो वो पेट्रीलिनियल है फैमिली जहां पर एलडेस्ट uh, सन फिर बच्चा वो अपने को देगा मैट्रिलिनियल में फीमेल से फीमेल जा रही है पहले माँ के पास प्रॉपर्टी थी अब बेटी के पास प्रॉपर्टी जाएगी राइट right. वैसे ही आपको नजर आएगा दो और तरीके की फैमिली होती है बच्चों एक होता है पेट्री और एक होता है मेट्री पैट्रियार्कल आर्कल का मतलब है जो एल्डेस्ट मेंबर होता है हमारी फैमिली का वो की डिसीजन लेता है मतलब जितने भी सबसे बड़े डिसीजन लेंगे जैसे गाड़ी लेनी है जॉब पलटनी है या कुछ और करना है तो वो डिसीजन जो है वो एल्डेस्ट मेंबर से पहले पूछा जाएगा कि ऐसा करें या ना करें शादी करनी है नया बिजनेस खोलना है या घर में कुछ सामान लाना है तो वो एल्डेस्ट मेंबर होगा ना मेल मेंबर एल्डेस्ट मेल मेंबर पेट्रीआरकल फैमिली में उनसे सबसे पहले पूछा जाता है मेट्रियार्कल में जो वुमेन है उस उससे पूछा जाता है वुमेन जो एल्डस्ट वुमेन है उनसे पूछा जाएगा कि भाई हमारे यहाँ पर ये चीज़ लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए राइट right? तो ये यहाँ पर मेजर फ़र्क जो है वो बच्चों हमें नज़र आ रहा है राइट right? आगे आगे जैसे हम चलेंगे आपको और चैप्टर्स के अंदर जो है वो क्लैरिटी नज़र आती रहेगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा और मुझे उसमें फीडबैक दीजिए कल जो है वो हम चैप्टर फोर के साथ में वापस आप लोगों के लिए लौटेंगे और इस चैप्टर फोर में जो है हमारी चैप्टर फोर में जो है वो बहुत सी चीज़ों को जो है हम बच्चों डिस्कस करेंगे क्लास की जो टाइमिंग है क्लास की जो टाइमिंग है कल की वो है बच्चों फोर पी और मैं आप लोगों को जो आपका पेपर होने वाला है थर्ड अप्रैल को सोशोलॉजी का थर्ड अप्रैल का पेपर होने वाला है जो सोशोलॉजी का उसकी प्रिपरेशन मैं ही आपको सोली दो चैनल्स के साथ में करवाऊंगा कॉमर्स सॉरी ह्यूमैनिटीज अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन और सी वी टी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन तो इन दोनों चैनल्स को आप यहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे ही मेरा सेशन होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे आप सोशोलॉजी के ही लेक्चर्स को देख लेते हैं अगर सिर्फ मेरे आप सिर्फ और सिर्फ सोशोलॉजी के लेक्चर्स ही देख लेते हैं आपके लिए वो ही काफ़ी होगा आपके पेपर में 95 फाइव परसेंट स्कोर करने के लिए मैंने सी यू टी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन चैनल पर इकनॉमिक्स की क्लासेस भी ली थी उन इकोनॉमिक्स क्लासेस में मैंने चालीस मार्क का पेपर लिया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और उस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से 40 में से अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही क्लास देख लेते तो उसमें आप थर्टी फाइव आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आपको विश्वास नहीं होता जिन्होंने भी इकनॉमिक्स का पेपर दिया है जिन्होंने भी इकनॉमिक्स का पेपर दिया है वो उनके आप कमेंट सेक्शन जाकर पढ़ सकते हैं राइट सो थैंक यू वेरी मच कल हम चार बजे वापस से मिलेंगे आप लोगों के साथ में और हमारी क्लास इसी चैनल पर होगी 4 पी पे हम डिस्कस करेंगे अगला चैप्टर जैसे ही हमारी क्लास ख़त्म होगी आप इसको फीडबैक जो है वो ज़रूर देना चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो मैं उस फीडबैक के ऊपर ही आगे अपनी क्लासेस को और अपने पढ़ाने के स्टाइल को आप लोगों के साथ में ही अकोमोडेट करूँगा थैंक यू वेरी मच